प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे नए मंदिर में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार 22 जनवरी 2024। प्राण प्रतिष्ठा का समय दोपहर 12:20। प्राण प्रतिष्ठा पर विशेष उपस्थिति सानिध्य भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम छावनी, अयोध्या के श्री महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज। इस अवसर पर देश के लगभग 4000 संत महात्मा, भारत की 125 से भी अधिक उपासना पद्धति गुरु परंपराओं के संत महात्मा, आचार्य आचार्य महामंडलेश्वर, सभी 13 अखाड़े, सभी 6 दर्शन, उनके अनुयायी संत महापुरुष उपस्थित रहेंगे, उनको आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं उन सभी विधाओं के श्रेष्ठ जन उनके नाम लिखे गए हैं, ऐसी संख्या लगभग 2500 होगी। सारा देश क्या करे, सारे देश और दुनिया के राम भक्तों से, भारतीयों से, हिंदू समाज से निवेदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक मंदिर की स्वच्छता अभियान चलाएं, मंदिर की सफाई कराएं। स्वच्छता ये भगवान को प्रिय है। नंबर 2, 22 जनवरी सोमवार के दिन प्रातःकाल 10 बजे से पास पड़ोस के तमाम समाज को अपने मंदिर में इकट्ठा करें, भजन कीर्तन करें, आनंद उत्सव मनाएं, LED टेलीविजन लगाकर दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए गए अयोध्या का कार्यक्रम अपने स्थानीय समाज को दिखाएं। 12:20 पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात आरती होगी। आप भी अपने गांव मोहल्ले के मंदिर में आरती करिए। जो देवी देवता मंदिर में विराजमान है, जिस प्रकार की नियमित आरती उस मंदिर में होती है, वही आरती करिए। मंदिर छोटा है, मंदिर बड़ा है, इसका विचार मत करिए, सभी मंदिरों को जागृत करिए। प्राण प्रतिष्ठा की आरती के बाद समाज में प्रसाद बांटिए। प्रसाद का कोई प्रारूप ट्रस्ट ने तय नहीं किया है, आपकी आर्थिक सामर्थ्य, आपकी स्थानीय उपलब्धता, उसके आधार पर प्रसाद वितरण करिए। अधिक से अधिक समाज को प्रसाद दीजिए। सायंकाल सूर्यास्त के बाद अपने घर के आंगन पर अपने हृदय के आनंद को दीप जलाकर प्रकट करिए। दीप हृदय के आनंद को प्रकट करेगा, उछल कूद से आनंद नहीं, दीप जलाइए। हिंदुस्तान एक है, राम सबके हृदय में निवास करते हैं, करोड़ों घरों ने दीपक जलाए, इसका संदेश सारे संसार को जाए। इतना ही सबसे मेरा निवेदन।